Hello children, so today we'll be studying lesson number 6 of your English section of Bloom book. I am lucky. Lucky का मतलब सबको पता है ना? Lucky को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्यशाली. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. चलिए अब ये poem पढ़ते हैं. Poem जो है वो है बहुत सारे birds, animals के reference में. और अल्टीमेटली वॉट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल कि मैं जो हूँ मुझे उसमें ही खुश रहना है. मैं खुद ही भाग्यशाली हूँ. मैं तुम बन के खुश नहीं रह सकता. मैं ही बनकर खुश हूँ. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. अगर मैं तितली होता तो मैं थैंकफुल, मैं एहसान मानता कि मेरे पास पंख हैं. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. अगर मैं मैना होता तो मैं thankful होता कि मैं गाना गा सकता हूँ. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. अगर मैं मछली होता समुद्र के अंदर तो भी मैं थैंकफुल होता कि मैं व्रिगल और गिगल कर सकता हूँ. अब आप सोच रहे होंगे व्रिगल का मतलब क्या होता है. व्रिगल मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न विद अ क्विक रिदम मूवमेंट. मतलब जल्दी से मुड़ जाना, एकदम फ्लेक्सिबल होना, फटाफट मुड़ जाना. तो मछली के पास ऐसे कोई बिग फिश आती है तो जल्दी से मुड़ जाती है ना मछली. तो ऐसे व्रिगल गिगल मतलब खूब खिलखिलाकर हंसना, बहुत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसना. एंड ग्ली विद द ग्रेट डिलाइट, खुश होकर हंसना. तो अगर मैं मछली होता समुद्र में तो मैं थैंकफुल होता कि मैं बहुत क्विक हूँ, मैं बहुत खिलखिलाकर और खुश होकर हंसता. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं हूँ. नॉट यू बट मी. मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. अगर मैं हाथी होता तो मैं thankful होता कि मैं अपनी सूंड बहुत ऊंची करके ऊपर करके उठा सकता हूँ. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. अगर मैं kangaroo होता तो मैं hop करने की कोशिश करता. kangaroo के movement को हॉप करना बोलते हैं. हॉप करने की कोशिश करता और कोशिश करता कि मैं चांद तक हॉप कर सकूं. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय 8 आर्म्स. अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता कि मेरे पास 8 आर्म्स हैं. ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं ना, आप सबने पढ़ा है. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं हूँ. नॉट यू बट मी. मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ. वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी. आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी. क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं. और जस्ट यू या फिर जो आप हैं आप वही रहना चाहते हैं. आप वही रहना चाहते हैं. सो दिस वॉज ऑल इन दिस पोएम जिसमें हमें पोएट ने ये बोला है कि हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसमें ही खुश रहना सीखना चाहिए. हमें कभी दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा है या वो उड़ सकता है मैं नहीं उड़ सकता, वो हमसे ज़्यादा कर सकता है मैं नहीं कर सकता. ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. हमें अपने हर काम मन लगा के करना चाहिए और जो भी हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन टुडे. थैंक यू.